तो वेलकम टू द रिवर्स पर। सो दोस्तों, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है कि नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड दैट इज़ NFL में एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है। बहुत ही गुड न्यूज़ है ये सभी डिप्लोमा ब्रांच वालों के लिए और BSc वालों के लिए। ठीक है, तो हम डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे इस एडवर्टाइजमेंट का। सो दोस्तों देखिए, इसका जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है वो आज ही रिलीज़ किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आज 20 अक्टूबर है और जैसे ये रिलीज़ हुआ मैंने तुरंत इस पर वीडियो बनाया है। तो अभी आप इसको देखिए कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है और कैसा कहाँ के लिए वैकेंसी आई है। सो सबसे पहले इसमें मैं बात करूँ तो यहाँ पे तीन जगह की लिए वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो उनमें से तीन जगह कौन कौन सा है मैं पहले बता देता हूँ आपको। एक तो आपका एक है आपका पानीपत, ठीक है, उसके बाद है एक आपका भटिंडा और एक है विजयपुर। तो तीन जगह के लिए ये वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले हम पानीपत यूनिट के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो पानीपत में देखिए 40 जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है इसमें, जिसमें 40 पोस्ट है। UR के लिए 9 है, SC के लिए 7 है, OBC के लिए 10 और EWS के लिए 4। ठीक है, और एक्स सर्विस मैन वालों के लिए 6 है। ठीक है, ओके। और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी आई है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 5 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल में एक और वैकेंसी है जिसमें कि 9 है। ठीक है, वो असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, ये असिस्टेंट ग्रेड 1 है और ये लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 5 वैकेंसी है। उसके बाद भटिंडा यूनिट की बात करें तो प्रोडक्शन में 26 वैकेंसी है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है जो कि, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटेशन की 6 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल वालों ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है और अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। उसके बाद ग्रेड 3 के लिए जो अटेंडेंट पोस्ट के लिए वो यहाँ पे 6 वैकेंसी है। मैकेनिकल फिटर के लिए 3 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसी है। अब उसके बाद विजयपुर की बात करें, विजयपुर जो यूनिट है वहाँ के लिए बात करें तो प्रोडक्शन के लिए 21 वैकेंसी आई है वहाँ पर। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वहाँ पर 6 आई है, 6 वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंटेशन की, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 1 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 3 है, अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए 8 वैकेंसी है और मैकेनिकल फिटर के लिए 4 है और अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 4 है। मार्केटिंग डिवीज़न की बात करें तो इसमें 15 वैकेंसी है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना जो केमिकल है, तो केमिकल में बोला गया कि BSc होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से और 50% अगर जो आपका है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो, और SC ST के लिए 45% है या नहीं तो आपके पास पूरा 3 ईयर का डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग सिर्फ केमिकल वालों के लिए यहाँ पर जो है वैलिड की गई है और अदर ब्रांचेस वैलिड नहीं है। तो ये काफ़ी एक मतलब बैड न्यूज़ भी है कि फर्टिलाइज़र वाले इसमें एलिजिबल नहीं है या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ओके। सो केमिकल इंजीनियरिंग जिसका है 50% मार्क्स से वो एलिजिबल है और 45% होना चाहिए SC ST के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बहुत ही टफ़ कंपटीशन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक तो इंस्ट्रूमेंटेशन में कम वैकेंसी है, 6 या कहीं 3 या 2 वैकेंसी है। ऊपर से यहाँ पर आप देखिए कि कितने सारे ब्रांच को इसने एलिजिबल कर रखा है कि इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है और सेम इसमें क्राइटेरिया है 50% और 45% का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में देखिए 3 ईयर का इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मांगा है। ठीक है, ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 1 के लिए इसमें मैट्रिक प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन से मांगा है। ठीक है, उसके बाद एज जो है सबके लिए सेम है, 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 30 एज है। उसके बाद मैकेनिकल फिटर की बात करें तो मैकेनिकल फिटर के लिए मैट्रिक प्लस ITI रेगुलर फिटर से मांगा गया है और 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। लोको अटेंडेंट के लिए मैट्रिक मांगा है और 10th होना चाहिए, ऊपर से ITI होना चाहिए डीजल में। ठीक है, वो लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद जो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किए उसके लिए मतलब उसको प्रेफरेंस मिला जाएगा। ठीक है, नहीं एक मिनट, कैंडिडेट कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व, हाँ रिजर्व पोजीशन है उसके लिए फ़ायदा मिलेगा उनको। ठीक है, या फिर मैट्रिकुलेशन 10th होना चाहिए और NAC होना चाहिए, जो NCVT से किया होना चाहिए। उसके बाद डीजल ट्रेड में वो भी एलिजिबल है इसमें, और इसमें विजन बिल्कुल 6x6 मांगा गया है। ठीक है, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा है।
ठीक है, और 50% होना चाहिए तो ये हो जाएगा। मार्केटिंग डिवीज़न के लिए रेगुलर बीएससी मांगा है एग्रीकल्चर से, 50% होना चाहिए एग्रीगेट, ठीक है, तो वो इसमें एलिजिबल होंगे। ओके सो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसमें देखिए फ़ीस लगने वाला है 200 रुपये और बैंक का जो चार्ज लगेगा, तो ये चीज़ आपने देख लिया। ओके, रिज़र्वेशन तो एस सी एस टी वाले के लिए होता ही है, वो चीज़ तो चलो इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेन पक्स की बात करें अगर जो, तो इस एन एफ एल है तो काफ़ी अच्छी मतलब इसमें सैलरी मिलता है, 23 से लेकर 56,000 तक मिलेगा। सिलेक्शन मेथोलॉजी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बिफोर द अप्लाइंग कैंडिडेट ये ठीक है एलिजिबल क्राइटेरिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 कल से स्टार्ट होगा और 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक वैलिड रहेगा, ठीक है, शाम के 5:30 बजे तक। ठीक है, उसके बाद ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट ही अलाउ किया जाएगा, अगर दो आप भरते हैं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं, हो ही जाएगा। कैंडिडेट रजिस्टर, उसके बाद हम देख लेते हैं आगे, यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया। और ये अपलोडिंग का प्रोसीजर है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगा दीजिए, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये तो बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अपियर द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑन द डे, डेट, टाइम, वेन्यू ऑन एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा और एसएमएस के थ्रू भी आपको आएगा। और एग्ज़ाम सेंटर इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली एनसीआर दिया है, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, भोपाल, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रांची और बेंगलुरु, कोची, अमरावती, आंध्र प्रदेश में जो कि है, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, ग्वालियर, रायपुर एंड लखनऊ दिया गया है। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है वो डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड, दोनों दो पार्ट होंगे, जिसका मीडियम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, तो ये बहुत थोड़ा टफ़ कर दिया है कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना है, जो कि बहुत एक, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेवल इसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा शायद, मुझे लगता है फिर तो ऑफ दी 1 मार्क्स होगा, एंड आउट ऑफ 100 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम मिक्स टू कोर्स सर्कुलेटिंग क्वालिफाइंग कोर्स, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफाइंग 50 क्वेश्चन आर फ्रॉम, मतलब 50 क्वेश्चन जो होंगे आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा, 100 क्वेश्चन आपका डिसिप्लिन से होने वाला है। ठीक है, ओके, तो देखिए आपका जो, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा फिर, क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल वगैरह तो आना नहीं है, तो 100 क्वेश्चन को हम ईजिली कर सकते हैं 50 मिनट के अंदर, 50 या 1 घंटा उधर और 1 घंटा इधर ले लिए तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे अभी डेट वगैरह मेंशन नहीं किया गया कि कब एग्ज़ाम वगैरह होगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू स्कोर 50% मार्क्स होने, दैट इज 75% मार्क्स और मोर, और आउट ऑफ इतना ओनली सच कैंडिडेट वुड बी कंसिडर यूनिट कैटेगरी वाइज इन मेरिट लिस्ट पे, मतलब मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होना है। और यहाँ इंटरव्यू वगैरह के लिए तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, हाँ हाँ देख लेते हैं कि ग्रुप सी नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेबर, और ये वर्कर लेबर का नो इंटरव्यू एंड सिलेक्शन, उनका इंटरव्यू नहीं है, मेरिट कार्ड और तो मुझे इंटरव्यू का दिख नहीं रहा है, देर विल बी निगेटिव मार्किंग, अच्छा निगेटिव मार्किंग भी होने वाला एग्ज़ाम में, ओके, उसके बाद जो है ठीक है, तो इंटरव्यू तो मुझे लगता नहीं होगा इसमें अब, मेरिट ये कह रहा है ना कि एस सी एस टी जो भी है कैंडिडेट कंसीडर अंडर द जनरल स्टैंडर्ड मेरिट अगेंस्ट द अनरिजर्व, अच्छा ये पोस्ट के लिए दिया गया। ठीक है, तो कोई नहीं दोस्तों, फिलहाल तो हमारा फोकस जो मेन रहेगा वो हमारा रिटर्न पे होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न अगर जो क्लियर होता है तो वो हो जाता है। शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर एग्जामिनेशन यूनिट कैटेगरी वाइज शैल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अच्छा उसके बाद इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बोला कि जिसका भी मार्क्स अच्छे आएंगे उसको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इफ़ फाउंड सुटेबल विल बी इशू अपॉइंटमेंट लेटर, फिर यूनिट के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है ये। सो गाइज, मुझे आशा है कि इसमें आपको बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया है। ठीक है, उसके बाद डेट आपके पास ज़्यादा नहीं है तो ध्यान रखना है, 21 इधर 10 दिन और इधर 10 दिन, तो 20 दिन का आपको टाइम मिला है। सो दोस्तों अभी तो इतने सारे एग्ज़ाम है, कोई नहीं, कहीं ना कहीं तो हो ही जाना है, तो इस साल बिल्कुल नौकरी लेके रहना। सो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और आई यू सी एल का एग्ज़ाम है संडे के लिए, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक।